चित्तौड़गढ़ में जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर 33 नर्सिंग कर्मियों को संविदा पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। इससे कोरोना काल में चिकित्सा महकमा चिकित्सा बेड़े में काफ़ी मजबूती आएगी और सुविधाएं समय पर मिल पाएगी। चित्तौड़गढ़ चिकित्सालय के PMO डॉक्टर दिनेश वैष्णव ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर चिकित्सा व्यवस्थाओं में और सुधार के उद्देश्य से जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से 33 नर्सिंग कर्मियों को संविदा के आधार पर लगाया गया है। यह नियुक्ति कोरोना संक्रमण काल में यह एक वर्ष तक के लिए रहेगी। नियुक्ति के लिए 33 संविदा कर्मियों को नियुक्त किया है, जिनमें से अधिकांश ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ पर जिला चिकित्सालय के लिए जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा UTB के तहत कार्मिकों की जो चयन प्रक्रिया हुई पूरी, और उसमें जो चयनित हुए वो आकर के ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें से जो 33 नर्सिंग स्टाफ को यहाँ पर चयनित किया गया UTB के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति, और जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने जिनको नियुक्ति दी है उसमें से 16 GNM ने आज ज्वाइन कर लिया, और कल तक इनकी आखिरी तारीख है ज्वाइन करने की, और हमारा को उम्मीद है कि पूरे के पूरे इसमें आके ज्वाइन करेंगे। ऐसे ही लैब टेक्नीशियन जो हमने 7 चयनित करे थे जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा यहाँ पे, तो 7 में से 5 ने ज्वाइन कर लिया और 2 अभी इसमें भी बाकी है। और जो ये नियुक्तियाँ हो रही है पूर्णतया UTB के माध्यम से है, और अस्थायी नियुक्तियाँ या तो कोविड कंट्रोल हो जाए जब तक, या मैक्सिमम 1 वर्ष, या फिर जो रिक्त पद हैं जिले में वो भरे जाने तक।